यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका सहित कई देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत ने अपना कारोबार जारी रखा। इस वजह से चर्चा चली कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में खटास आ सकती है। अब भारत के साथ अपने रिश्ते पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना है कि भारत के साथ अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध हैं। वो दो बार भारत का दौरा कर चुके हैं। भारत से जुड़े एक सवाल के जवाब में बाइडेन ने कहा, मैं दो बार भारत आ चुका हूं और एक बार फिर जाऊंगा। भारत के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। बाइडेन से पहले अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेट प्राइस ने कहा कि हमने अपने भारतीय भागीदारों के साथ कई दौर की चर्चा की है। सभी मुद्दों पर चर्चा करने के बाद हमारा यही मानना है कि हर देश का रूस के साथ अलग संबंध है। उन्होंने कहा कि रूस के साथ भारत के संबंध कई दशकों के दौरान विकसित हुए हैं। तब अमेरिका भारत के साथ साझेदारी के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि अब स्थितियां बदल चुकी हैं। भारत और अमेरिका के बीच संबंध वास्तव में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल के दौरान बढ़ने शुरू हुए। पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन में भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी और मजबूत हुई। आपको बता दें कि भारत अब सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल रूस से आयात कर रहा है, और यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से भारत की तेल रिफाइनरी भारी छूट पर रूस का तेल खरीद रही है। अब अमेरिका के भारत को लेकर दिए बयान से तो यही लगता है कि उसे भारत और रूस के बीच अच्छे संबंधों से कोई परेशानी नहीं है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक। फालतू बात या बकवास नहीं करेंगे बर्दाश्त। खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट, वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी। सिर्फ आज तक डिजिटल पर।